जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार भी गिराया है और ऑपरेशन तीन नेत्र अभी भी जारी है। कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना के सीनियर ऑफिसर्स मौके पर मौजूद हैं। ये वही आतंकी है जिन्होंने पुंछ में आर्मी के ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए थे। सूचना के आधार पर कल से राजौरी में ऑपरेशन तीन नेत्र चलाया जा रहा है। आतंकियों ने कल आईडी विस्फोट करके हमारे 5 जवानों को शहीद किया था। अब उसके बाद एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। घने जंगलों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, और साथ ही साथ नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं वो खुद इस वक्त पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। उन्होंने जाकर वहां पर ऑफिसर्स से पूरे इस ऑपरेशन की जानकारी ली है। राजौरी के कंडी फॉरेस्ट में ऑपरेशन तीन नेत्र जारी है। एक आतंकी मारा गया है, जिसके पास से AK-56 राइफल और साथ ही कारतूस भी मिले हैं और कुछ विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे इंडिया टीवी के रिपोर्टर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है और पिछले 26 घंटे बीत चुके हैं और आतंकियों के साथ लगातार मुठभेड़ जारी है। ऐसे में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें सेना की तरफ से अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि एक आतंकवादी को मार गिराया है और जबकि दूसरा आतंकवादी जो है वो घायल है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो है लगातार सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान किस तरीके से इस इलाके में जो है वो तैनात हैं और ये पूरा जंगल का इलाका है। ये वही कंडी का इलाका है जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो मारा गया आतंकवादी है उससे रिकवरी भी हुई है, जिसमें AK-56 एक राइफल, 4 मैगजीन AK-56 राउंड, AK-19 पिस्तौल और मैगजीन ग्रेनेड और एमिनेशन पोच। और आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस पूरे इलाके को जो है वो घेरे हुए हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही कंडी का इलाका है जहां पर कल सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। और सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए और उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। जबकि आज यहाँ पर सेना के नॉर्दर्न कमांड कमांडर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हों, CRPF के हों, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजौरी जा रहे हैं, जहां वो हालात का जायजा लेंगे और एनकाउंटर में शहीद जवानों को नमन भी करेंगे। राजनाथ सिंह किसी भी वक्त राजौरी पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि राजौरी ग्राउंड जीरो पर अब भी मुठभेड़ जारी है और सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया है। एक आतंकी मारा जा चुका है, करीब 2 से 3 आतंकियों के और छुपे होने की जानकारी मिली है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है बेहद ही घना जंगल इलाका है, लेकिन साथ ही LOC होने के वजह से यहाँ से हमेशा इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ होती रहती है। और अगर आप बात करें घाटी में जो आतंकवादी गतिविधि है, आतंकियों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाम लगाया गया है और यही वजह कि इन्फिल्ट्रेट करके यानी कि घुसपैठ करके इस तरफ आतंकवादी आने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। और खासतौर पर जो राजौरी पुंछ का इलाका पड़ता है, आपको बता दें ये पीर पंचाल के शुरुआत में पड़ता है, यानी कि यहाँ पहाड़ियाँ थोड़ी कम होती है, नाले यहाँ बहुत ज़्यादा, इसी वजह से यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन यानी जो घुसपैठ करना आसान हो जाता है और यही वो मेन रास्ता है जहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी के दौरे पर गए हैं और यहां पर वो जाकर जो तमाम कमांडर्स हैं, तो ये तस्वीरें आपको बता दें अभी रवाना होने की, यानी कि वो पालम एयरपोर्ट पर होंगे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से उनका यह विमान उनको लेकर अब पहुंचेगा, जहां से वो आगे राजौरी में जाकर जो जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, इसके अलावा जो दूसरे जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होगी और वो इन सभी चीज़ों के लिए जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजौरी के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर आज उनकी अहम मुलाकात होगी वहाँ पर कमांडर्स के साथ। उनके साथ तमाम जो बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे और ग्राउंड जीरो की जानकारी वो लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।